बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसार के 6 विद्वानों में एक थे। आप सोचते होंगे 5 विद्वान और कौन है, तो निश्चय ही दुनिया में वो लोगों की चर्चा हुई होगी, उन लोगों ने उसी तरह का काम किया होगा जैसे बाबा साहब का। अमेरिका का जॉर्ज जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, और अमेरिका का ही जो है मार्टिन किंग लूथर, और जर्मनी का रहने वाला कार्ल मार्क्स, ये 5 विद्वान हैं। इनको पढ़िए और बाबा साहब छठे में आते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, इनको पढ़िए। कुछ तो समझ में आता है कि अमेरिका में दास प्रथा थी, इब्राहिम लिंकन ने खत्म किया, तो निश्चय जॉर्ज जेफरसन वाशिंगटन ने भी कोई काम किया होगा उनके संबंध में। और बाबा साहब ने जो काम किया उसको दुनिया मानती है, और बाहर से बाहर के लोग आते हैं। नेल्सन मंडेला यहाँ रामकृष्ण को नमन नहीं करते हैं, वो सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं। संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का जो प्रमुख है बराक ओबामा, वो आते हैं तो बाबा साहब को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस देश में महिलाओं को, सभी सताए लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जिस देश में महिलाओं के पति के मरने के बाद उनकी पत्नियों औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, ऐसे उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे बीच में महिलाएं बैठी हुई हैं, बहुत खुशी है। और देखिए महाराष्ट्र से आकर के गायकवाड़ जी ने आप लोगों को जो है पढ़ाया है, लिखाया है, उसका असर आप लोगों में पढ़ना ही चाहिए। बाबा साहब बहुत प्रसन्न होते क्योंकि उनके सामने तो बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन क्या था, फटे हाल, चिपका हुआ गाल, गोद में बच्चे को लेकर के बाबा साहब की बात को सुनने के लिए महिलाएं आती थी। बाबा साहब कहते थे, अरे हमारी माँ और बहनें, जिस तरह से ऊंचे जात के महिलाओं के पेट में जब बच्चा पलता है, आता है, तो स्वप्न देखती है कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अफसर बनेगा, इसी तरह से तुम अपने मन में जो ही बच्चा पेट में आता है तो सोचो कि जो बच्चा हमारा पेट में पल रहा है वो पैदा होगा, बड़ा होगा तो भी डॉक्टर इंजीनियर। बाबा साहब का कहना ये था कि इनके मन में क्या था, महिलाओं के मन में था कि जो भगवान ने बना के भेजा है हमको उसी तरह से रहना है, हमको गरीब बना के भेजा, हमको दलित बना करके भेजा। बाबा साहब ने इस चीज़ को उनके दिमाग से निकालने का बहुत कोशिश किया और सफल हो गए। उसी सफलता का परिणाम है कि आज हमारे बीच में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। तो मैं तो कहूँगा जो समाज है, जो भी राष्ट्र है, जहाँ भी महिलाएं हैं उनका बहुत अनादर भारत में हुआ, लेकिन बाबा साहब कांस्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष होते हुए भी 4 महिलाएं भी थी कांस्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। और भारत का संविधान लागू हो गया, बाबा साहब ने कहा सबको सबका अधिकार तो दे दिया, लेकिन महिलाएं बराबर नहीं हो पाई। पुरुष के बराबर पत्नी को अधिकार नहीं, भाई के बराबर बहन को अधिकार नहीं, पति मर जाता है किसी पत्नी को गोद लेने का अधिकार नहीं, गार्जियनशिप का अधिकार नहीं। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से बनाया, तो उन्होंने चालाकी से नेहरू ने 5 भागों में बांट करके वो उसी को पास कराया। तो मैं कहना चाहता हूँ अंत में, बाबा साहब का पुतला फूटता है सब, हाथ तोड़ देता है, चश्मा फोड़ दे, क्यों फोड़ देता है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनुवादी व्यवस्था थी, जिस मनुस्मृति के अनुसार इस देश को चलाया जाता था, उसको उन्होंने जलाया था। और जब भारत का संविधान बनाया तो कांस्टिट्यूशन असेंबली में लोगों ने पूछा, 395 अनुच्छेद, आर पृष्ठी 9 अनुच्छेद है, इसमें इतने बड़े ग्रंथ में कहीं रामायण महाभारत गीता वेद का जिक्र नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, सोचते हैं लोग इसका जवाब कौन देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये जवाब तो डॉक्टर अम्बेडकर ही दे सकते हैं, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं और उन्होंने कहा इस देश में एक राजतंत्र के बाद दूसरा, एक राजा के बाद दूसरा, आक्रमण पर आक्रमणकारी यहाँ आए
और मुगल मुसलमान सभी ने शासन किया और आप सैकड़ों वर्ष तक शासन किए और रामायण महाभारत गीत और वेद वेद पढ़ाते रह गए। क्या सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया? यदि नहीं आया तो ऐसे ग्रंथों का जिक्र भारत के संविधान में क्यों किया? और सब लोग चुप रह गए। बाबा साहब को बहुत सारे काउंसिल में जवाब देने पड़े। लोग कहते थे यहाँ का नकल है, वहाँ का नकल है। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा, जो कुछ भी किया हमने अपने बुद्धि विवेक से, और ये काउंसिल असेंबली में जो हमारे मेंबर थे इनका भी हमने सहयोग दिया। क्यों कहा? भले कुछ न कहे उनके सम्मान के लिए कहा, लेकिन किया तो सब बाबा साहब ने। तो मैं और ज़्यादा न कह करके इतना जरूर कहूँगा, आप भारत का संविधान कम पढ़े लिखे हों, साक्षर हों, भारत का संविधान हिंदी में पढ़िए, भगवान बुद्ध उनका धर्म पढ़िए और बाबा साहब की जीवनी जरूर पढ़िए। हमारे लोग पढ़ने लिखने में हैं लेकिन पूरी जीवनी नहीं कोई पढ़ा, पढ़ता है तो उस पर अमल नहीं करता है। तो बाबा साहब वो शख्सियत थे, वो हमारे पूर्वज थे, जिनको दुनिया पूछती है। हमको भी गर्व होना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए और जय हिंद कहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तमाम भाषा बदल रही है। कोई कहता है जय मूल निवासी, कोई कह रहा है जय अम्बेडकर, नहीं, बाबा साहब जय भीम। जिसके पास इज्जत सम्मान है वो क्रांति का स्वरूप है, वो स्लोगन है जय भीम, उसको आप लोग बरकरार रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को मैं साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।